हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिक्स सेम सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड का एक ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट मीन फिफ्थ चैप्टर रेट एनालिसिस का ये पार्ट टू वीडियो है ना, जिसमें हम पीसीसी कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना होता है रेट एनालिसिस करने में, वो सारा मैंने कवर कर रखा था। तो इस लेक्चर में हम मेनली कवर करेंगे, एक एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं इस लेक्चर में कि पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मेनली कवर करेंगे हम पीसीसी होता क्या, उसका डिफिनेशन, डिफरेंट ग्रेड्स, जो भी ग्रेड्स होते हैं जो आपके जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है एमटेन, उसका मतलब प्रोपोर्शन क्या था वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है आईएस 456 1978 और 2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है, जिसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं वो, और सेकेंड में जो फोर्थ जो टॉपिक है वो रेट एनालिसिस है, यानी कि दूसरे टॉपिक है, मेनली समझिए रेट एनालिसिस ऑफ पीसीसी, जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है कि पीसीसी का रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है आपका पीसीसी का डिफिनेशन। पीसीसी क्या है, पीसीसी स्टैंड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट, एग्रीगेट को हम स्टोन चिप्स भी कहते हैं। तो पीसीसी क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और ये जो होता है ये मिक्सर है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, जिसे हम गिट्टी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है आपका डिफरेंट ग्रेड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो है जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे इनमें से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। ये देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उनका प्रोपोर्शन है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो पहला जो है M10 है, तो M10 का प्रोपोर्शन क्या होता है 1:3:6, और आफ्टर 28 डेज इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो हमारा होगा वो है हमारा M15, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:4, और आफ्टर 28 डेज जो इसका जो स्ट्रेंथ हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी प्रकार M20 का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:3:3, ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आफ्टर 28 डेज वो हो जाता है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फोर्थ जो है हमारा वो है M25, इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1:2, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा आफ्टर 28 डेज वो हो जाएगा 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पर एमएम स्क्वायर नॉट मीटर स्क्वायर। तो ये जो है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, और ये जो है आपके इंटरव्यू में जनरली इनमें से किसी एक का प्रोपोर्शन के बारे में पूछा भी जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो M10 है या M15 है, M20 है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए M मतलब हो गया M4 मिक्स, ठीक है, और 10 जो हो गया, 10 हो गया आपका 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ हो गया आफ्टर 28 डेज ऑफ मिक्स, ठीक है। मिक्स किसका, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, मतलब कि M4 मिक्स और 10, तो ऐसा मिक्स, ऐसा प्रोपोर्शन का मिक्स, ठीक है, कि जिसका जो है 28 डेज के बाद जो है उसका स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाए, उसे हम M10 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, ठीक है। तो आईएस कोड जो है आरसीसी का दो है, एक आईएस 456 1978 और एक आईएस 456 2000, ठीक है।
तो दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस है। उसी के आधार पे जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आरसीसी वर्क में यूज़ किया जाता है उसमें भी डिफरेंट पाया जाता है। तो आप जब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ध्यान देना कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो पूछा गया है वो किस आईएस कोड के तहत पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईएस 456/1978 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी वर्क पूछा जाए तो वो होगा M15। किसके अकॉर्डिंग? आईएस 456/1978 के अकॉर्डिंग आरसीसी वर्क में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा वो होगा M15 अकॉर्डिंग टू आईएस 456/1978। बट अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछा जाए इन आरसीसी वर्क तो वो हो जाएगा M20। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीसीसी रेट एनालिसिस। तो इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है, यही बताना है इस लेक्चर के माध्यम से कि आप पीसीसी का रेट एनालिसिस कर रहे हो तो कैसे करोगे। इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। तो पहले मैं ओवरव्यू ऐसे ही समझा दे रहा हूँ क्या करना होगा। तो पीसीसी जब हम करेंगे तो मैंने बताया था कि रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो जो भी हम आइटम ऑफ वर्क कर रहे हैं तो उस आइटम ऑफ वर्क में क्या मटेरियल लगेगी, क्या लेबर लगेंगे और जितने भी अलग से अरेंजमेंट होंगे वो सभी क्या लगेंगे, तो उसकी क्वांटिटी और नंबर निकालेंगे, मार्केट से रेट निकालेंगे या फिर SOR जो आपका डिस्ट्रिक्ट DSR होगा वहाँ से रेट लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो है अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, तो हम PCC कर रहे थे, इसमें क्या चाहिए? पहले मटेरियल हम निकालेंगे। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल पीसीसी का। ठीक है, तो इसका एक मटेरियल में निकालने का डिटेल में मेथड बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि मटेरियल निकालेंगे। इसका कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, ठीक है, मटेरियल का नाम मैं लिखूंगा जो जो मटेरियल मैं यूज करूंगा। उसके बाद क्या क्वांटिटी निकाल लेंगे हम, उसके बाद मार्केट से या SOR से रेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल का हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है, इसमें जब पीसीसी वर्क करेंगे तो उसमें लेबर चाहिए, मेसन चाहिए, फिर लेबर चाहिए। ठीक है, तो वो सब, तो पहला इसका जो टेबल बनाएंगे हम ये हो गया मटेरियल का टेबल। ठीक है, दूसरा जो लेबर का हम टेबल बनाएंगे वो सीरियल नंबर इसी तरह से रहेगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर रहेगा कैटेगरी ऑफ लेबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी के जगह नंबर रहेगा कि कितने लेबर है उस कैटेगरी के, कितना लेबर है, उसके बाद उनका रेट क्या है, दिन भर का वेजेस क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने मटेरियल निकाल लिया यहाँ से, मटेरियल कॉस्ट, यहाँ से हम लेबर कॉस्ट निकाल लिए। अब मान लीजिए आपने कोई मशीनरी यूज किया है, ठीक है, तो उसका भी इसी तरह से टेबल बनाएंगे हम, सीरियल नंबर, ठीक है, मशीनरी कौन सा आपने यूज़ किया उसका नाम, उसके बाद रेट, सॉरी नंबर कितने हैं, फिर रेट पर आर, उसके बाद कितने घंटा चला, उसके बाद टोटल अमाउंट। तो इस तरह से हमने मशीनरी कॉस्ट निकाल लिया। लास्ट में और कुछ अरेंजमेंट है तो उसका भी हम इस तरह से टेबल बना करके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सभी को हम ऐड कर देंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मशीनरी कॉस्ट टोटल को ऐड कर देंगे, ग्रांड टोटल आएगा। ग्रांड टोटल में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट CP, ऐड 5% ओवरहेड चार्जेज। ठीक है, उसके बाद सभी को पुनः जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो और उसके बाद जो भी जितना भी मीटर क्यू का हम मान के निकालेंगे तो फिर पर मीटर क्यू का निकालना होगा, तो टोटल कॉस्ट में उतने मीटर क्यू से हम डिवाइड दे देंगे तो पर मीटर क्यू यानी कि आपका यहाँ पे रेट निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी कुछ भी आइटम ऑफ वर्क रहे उसका प्रोसेस यही है, पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, अगर आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी का कॉस्ट, अगर और कोई दूसरा अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कॉस्ट, सभी को जोड़ने के बाद 10% CP ऐड करेंगे, 5% ओवरहेड चार्ज यूज़ करेंगे, ग्रांड टोटल करने के बाद जो है जितना भी मान के आपने निकाला था उसे डिवाइड दे देंगे तो पर मीटर क्यूब आपका रेट आ जाएगा। तो चलिए हम PCC निकाल करके देखते हैं।
तो हम पीसीसी देखिए, पीसीसी का जो भी वर्क करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि आप जो रेट एनालिसिस कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है, यानी कि जो भी रेट जिस भी आइटम ऑफ वर्क में जो जो चीज़ इंक्लूडेड रहेगी तो हम एस्टिमेट बनाते समय उसका अलग से पेमेंट नहीं करेंगे, चूँकि रेट एनालिसिस में उसे इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो जो चीज़ इंक्लूड नहीं रहेगी उसे हमें अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का रेट एनालिसिस करेंगे तो हमें ये स्पेसिफिकेशन लिखना होगा कि हम जो है उस आइटम ऑफ वर्क में क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर करके जो है उसका रेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम पीसीसी का एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर लेइंग पीसीसी एम 15 इन नॉमिनल मिक्स ऑफ 1:2:4, यानी कि एम 15 का हम ये कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन ये है। इन फाउंडेशन कहाँ पे हम कर रहे हैं पीसीसी, फाउंडेशन में कर रहे हैं। विद अप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ स्टोन चिप्स, उसका क्वालिटी भी लिखा हुआ है, इतना से इतना एमएम साइज ग्रेडेड रहेगा और आपका क्लीन कोर सैंड है जिसका फाइनेस मॉडुलस ये है, ठीक है। जब हम पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को तो हम देखेंगे कि ये क्वालिटी को वो फुलफिल कर रहा कि नहीं कर रहा। उसके बाद स्क्रीनिंग शटरिंग, उसमें इंक्लूडेड है शटरिंग भी, यानी कि अलग से जो फॉर्मवर्क यूज करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर ही यूज करेगा, चूँकि हम इसे रेट एनालिसिस में उसका रेट हम दे रहे हैं। मिक्सिंग सीमेंट कंक्रीट मिक्सर, और मसाला को जो मिलाएगा पीसीसी को जो मिक्स करेगा वो सीमेंट ये कंक्रीट मिक्सर में यूज़ करेगा, उसका भी रेट हम इसमें देंगे। उसके बाद प्लेसिंग इन पोजीशन, वाइब्रेटिंग स्ट्राइकिंग क्यूरिंग टैक्सेस एंड रॉयल्टी, यानी कि वाइब्रेटिंग इसमें जो वाइब्रेटर यूज करेगा उसे भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो ठीक है। तो जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो इसमें वाइब्रेटर और कंक्रीट मिक्सर, उसके बाद जो है शटरिंग, ये सारा रॉयल्टी, ये सारा चीज़ इंक्लूड है, उसे हम अलग से इसका पेमेंट नहीं करेंगे एस्टिमेट में। अगर हम ये रेट लेते हैं तो ये जो है झारखंड का SOR है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, तो उसका ये स्पेसिफिकेशन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो है रेट निकालेंगे ये सभी चीज़ का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं और किस क्वांटिटी में लग रहे हैं, तो वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, माना कि हमने जो है सेट वैल्यूम जो यूज़ करेंगे वो 2.832 मीटर क्यूब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पीसीसी का। और वो पीसीसी क्या है, M15 है, 1:2:4 का है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेट वैल्यूम इतना है तो ड्राई वॉल्यूम जो होगा सेट वॉल्यूम का 1.57 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1.57 गुना। तो सेट वॉल्यूम दिया हुआ तो ड्राई वॉल्यूम बराबर क्या होगा, 1.57 इंटू 2.83 मीटर क्यूब। इसे जब हम निकालेंगे कैलसी से, 1.57 इंटू 2.832 इक्वल्स टू 4.446 मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब हमें इससे निकालना है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट कितना लगा। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन है आपका 1:2:4। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बराबर हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आप निकाल लें, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा जो आपका जो ड्राई वॉल्यूम आया वो 4.446 बट्टा जितने भी प्रोपोर्शन है वो सभी को आप ऐड कर दें, यानी कि 1+2+4, यानी कि 4.446 डिवाइड, सॉरी 4 × 2 = 7 डिवाइड 7 इक्वल टू 0.635, यानी कि 0.635 मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, सीमेंट हो गया। अब सीमेंट चूंकि इतना हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिए क्वांटिटी ऑफ सैंड का, है ना, क्वांटिटी ऑफ क्यू ऑफ सैंड। सैंड क्या है, जस्ट जो है ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है, ठीक है। तो सीमेंट सैंड क्या है, जस्ट इसका डबल है। तो हम क्या कर देंगे, जो भी क्वांटिटी आया है सीमेंट का उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.635 इंटू 2 इक्वल्स टू, तो आ गया आपका 1.27 मीटर क्यूब। उसी प्रकार क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट वो क्या है, इसका 4 गुना है, सीमेंट का 4 गुना है, यानी कि सीमेंट का जो आया है उसमें आप क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 0.635
तो आ गया आपका 2.54 मीटर क्यूब। अब जो भी क्वांटिटी आया है मैंने पहले से टेबल बना रखा है, सीरियल नंबर, मटेरियल क्वांटिटी, रेट जो है मैंने SOR से लिया है। ये जो है आपको एग्ज़ाम में शायद SOR ले जाने का अनुमति मिले चाहे नहीं मिले, आप याद कर लेंगे कि सीमेंट का पर मीटर क्यूब ये है, सेंड का 197, एग्रीगेट का 1041.4 है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आप जो जब आपको रेट निकालना आए, रेट एनालिसिस करना एग्ज़ाम में, तो आप कर सकें। तो जो भी क्वांटिटी आए इसमें हम फिल कर देते हैं। तो सीमेंट का क्या है, 0.635, उसके बाद सैंड का क्या है 1.27, सैंड का 1.27 मीटर क्यू, एग्रीगेट है ये, एग्रीगेट का हमने क्या निकाला 2.54। तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्वांटिटी इनटू ये रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी इनटू रेट बराबर ये टोटल को जब सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया और नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये मैंने पूरा प्रोसेस किया है कि रेट एनालिसिस में क्या क्या करते हैं, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा है 6M सिविल इंजीनियरिंग SPT झारखंड पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन में देखा है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया है, उसका क्वांटिटी दे दिया है कि 10 मीटर क्यूब हमें जो है PCC करना है M15 ग्रेड का, तो आप बताएं कि इसमें सीमेंट कितनी लगेगी और सैंड कितने लगेगा और एग्रीगेट कितने लगेंगे। तो सीमेंट तो मैंने निकाल दिया 0.635, ठीक है, और सैंड भी मैंने निकाला। इस तरह से इस प्रोसेस से आप इतना निकालोगे तो ये करीब 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इतना ही करने में जो है मटेरियल बस निकाल देने में आपको जो है 5 नंबर आ जाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है सीमेंट बैग में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे नोट में कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट में जो होता है, 1 मीटर क्यूब सीमेंट में जो होता है 30 बैग्स ऑफ सीमेंट होते हैं, कितने होते हैं 30 बैग्स ऑफ सीमेंट। तो जब आपको मीटर क्यूब में पूछा जाए तो मीटर क्यूब में आप बता देना, और जब बैग में पूछा जाए तो आप बैग में बता देना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो बस ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 30 बैग्स ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट जो है बहुत ही अनुभव के आधार पे जो है निकाला जाता है, बहुत ही लंबा ऑब्जर्वेशन के बाद पता किया जाता है कि इतने मीटर क्यूब करने में कितने लेबर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये जो है SOR से मैंने लिया है, झारखंड का जो SOR है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, उससे। तो इतना 2.832 मीटर क्यूब, तो इतने मीटर क्यूब का PCC करने में जो है लेबर, इतने लेबर चाहिए, एक हेड मेसन चाहिए, एक मेसन ग्रेड टू चाहिए, हेड मेसन चाहिए, मेसन ग्रेड टू चाहिए, अनस्किल मजदूर चाहिए और भिस्ती चाहिए। हेड मेसन कितना चाहिए, हाफ, ठीक है, और मेसन ग्रेड टू कितने चाहिए, 1। हाफ कहने का मतलब हो सकता है ये जो है एक दिन में डबल इसका करता होगा, इसलिए जो है यहाँ पे हाफ किया गया, ठीक है। अनस्किल मजदूर कितने चाहिए, 12 चाहिए, भिस्ती कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब सबका मार्केट रेट क्या है वो हमने SOR से ले लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो है क्या रेट आएगा, क्या अमाउंट आएगा टोटल, वो निकाला गया और सभी को जोड़ करके जो है लेबर रेट टोटल इतना मीटर क्यूब करने में 3603.09 लगेगा, 3603.09। तो मटेरियल कॉस्ट आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया, नेक्स्ट है मशीनरी कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो है वाइब्रेटर और मिक्सर दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसमें हमें वाइब्रेटर का भी रेट देना पड़ेगा और कंक्रीट मिक्सर का भी रेट देना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा मशीनरी कॉस्ट। नेक्स्ट है मशीनरी कॉस्ट, तो इसमें हम मशीनरी कॉस्ट में क्या यूज़ करेंगे, PCC में एक रहेगा हमारा कंक्रीट मिक्सर है ना मिलाने के लिए, और सेकेंड रहेगा वाइब्रेटर उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जब हम
कंक्रीट मिक्सर और विब्रेटर का जब हम मशीनरी कोस्ट निकालेंगे या जब मशीनरी कोस्ट जब हम उसे निकालेंगे तो हमें दिमाग में ये रखना है कि हायर चार्ज जो होता है उसका वो इस हिसाब से निकाला जाता है कि उसको आप पर आवर जो प्रोडक्शन है वो 2 m³ है, पर आवर का प्रोडक्शन क्या है 2 m³ है, तो कितने घंटे लगेंगे कितना भी मीटर क्यूब का PCC करने में वो हम आराम से कैलकुलेट करते हैं, चूँकि एक आवर में ये 2 m³ प्रोडक्ट प्रोडक्शन देता है PCC का, ठीक है। तो हमें इतना PCC बनाना है ना, तो कितना आवर लगेगा, आवर बराबर 2.832 / 2, ठीक है, 2.832 / 2 = 2, यानी कि इतना मीटर क्यूब PCC जो है प्रोडक्ट करने में 1.416 आवर लगेगा कंक्रीट मिक्सर को और वाइब्रेटर को, ठीक है। तो आवर में यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, सीरियल नंबर 1, 2, मशीनरी एक, कंक्रीट मिक्सर एक, वाइब्रेटर है, नंबर एक एक हम यूज़ कर रहे हैं, आवर हम इससे निकालेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि एक आवर में जो है 2 m³ सेट वॉल्यूम ऑफ PCC प्रोड्यूस्ड करता है। तो इतना मीटर क्यूब सेट वॉल्यूम प्रोड्यूस करने में कंक्रीट मिक्सर और वाइब्रेटर को कितना टाइम लगेगा, तो इसमें जो है डिवाइड दे देंगे तो 1.416, तो 1.416, अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगा इसे टोटल कर देंगे तो यहाँ पे मशीनरी कॉस्ट आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो कॉस्ट आया है कंक्रीट मिक्सर का 590.98 एंड विब्रेटर का 363, टोटल जो है 954.34, यानी कि मशीनरी कॉस्ट क्या आएगा 954.34। अब बच गया हमारा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसमें हमें करना है वो है फॉर्मवर्क का कॉस्ट निकालना, तो ये भी जो है आपके अनुभव के आधार पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे डायमेंशन लेंगे और किस हिसाब से जो है यूज होगा और प्लैंक्स को जो है कितने बार यूज कर सकते हैं उस हिसाब से रेट लगाया जाता है। तो ये भी जो है मैंने SOR से ही लिया है। तो प्लैंक्स का जो क्वांटिटी होगा 0.0311 m² होगा, ठीक है, और इसका ये रेट है 15,225.7 per m² तो इस हिसाब से जो इसका क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे जो इसका अमाउंट आया 473.52। कॉस्ट ऑफ नेल्स एंड स्पाइस, ठीक है, इसमें जो कांटी वगैरह जो यूज होगा वो जो है इसके कॉस्ट का 0.8% यूज होगा, ठीक है, तो 0.8% इसका जो है 3.79 आया, और इसमें कारपेंटर भी चाहिए, ठीक है, उसे फिक्स करने के लिए, तो कारपेंटर ग्रेड 2 का यूज होगा और 0.75 नंबर यूज होगा, उसका जो डेली वेजेज होगा वो 327.81 होगा, इस हिसाब से इतना रेट आया। और नेक्स्ट जो है स्किल मजदूर 1 यूज होगा, उसका भी रेट ये है, तो इस हिसाब से जो है टोटल कॉस्ट जो आ गया आपका फॉर्मवर्क का 1050.97। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हमने जितने भी चीज़ इंक्लूडेड थे सभी का हमने कॉस्ट निकाल लिया है, अब इसका जो है टोटल करेंगे, ठीक है, कि सभी चीज़ को करने में कितना लागत आया। तो इसका जो टोटल होगा वो हो गया आपका 1,3196.69। अब नेक्स्ट क्या करना है, 10% CP, 10% यानी कि 10/100, ठीक है, 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.1, यानी कि 13.19.669, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें 85% ओवरहेड चार्जेज, यानी कि इसका जो है 5% ओवरहेड चार्जेज यूज़ करना है, कि जस्ट इसका जो है हाफ हो जाएगा 1,3,19.669 / 2 = 5% भी निकाल सकते हैं 659.834, ठीक है। अब ये हमने जोड़ दिया, अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सारा कॉस्ट निकालने के बाद जो है 10% CP जोड़ना और 5% ओवरहेड चार्जेस जोड़ना है, ठीक है, ये CP हो गया कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ओवरहेड चार्जेस आपने, मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड चार्जेस जो होता है क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो है उसे प्रोवाइड करने के लिए हम रेट एनालिसिस में ही आइटम ऑफ वर्क का 5% ऐड कर देते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो ग्रांड टोटल आ जाएगा, जी टोटल
वो हो जाएगा आपका 659.834 प्लस 131.96.69 प्लस 131.96.69 इक्वल्स टू 1576.193। ये जो रेट आया वो आपका कितना आया, 2.832 मीटर क्यूब PCC ऑफ M15 का आया। आपको पर मीटर क्यूब चाहिए ना, यानी कि पर मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा जो आपका आया है 1576.193। जितना का आपने निकाला है उससे आप डिवाइड दे दीजिए 2.832, ठीक है, भाग 2.832 इक्वल्स टू आ गया, यानी कि पर मीटर क्यूब जो आपका आ गया 5358.82 रुपया, ठीक है। तो आप समझ गए, इसे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया ताकि आप एक एक प्रोसीड्यूर जो है समझ जाओ कि किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस निकालना होता है तो वो उसका प्रोसीड्यूर क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो भी मैं बताऊंगा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये पहला उदाहरण था इसलिए मैंने इतना समय लिया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। और हमारा अपडेट्स, नए नए वीडियो का अपडेट्स अगर आप चाहते हैं कि मिले मुझे, तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।